अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेस्टी फूड विद मरियम में आपकी मेज़बान मरियम हाजिर खिदमत हैं। आज हम पालक पनीर बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े का और लजीज बनता है। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब सब स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही आपकी भी टेस्टी बनेगी। ये 4 से 5 गठलियाँ हमने ली हैं पालक की। 200 ग्राम हमें पनीर चाहिए होगा और 4 टेबलस्पून दही है, 1 टमाटर, 1/2 कप ऑयल, मीडियम साइज अदरक, 5 से 6 लहसुन के जवे, मीडियम साइज प्याज, 2 हम लेंगे कॉर्न के क्यूब्स, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, 1/2 जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 चम्मच रेगुलर रेड चिली, 1 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक हम थोड़ा सा कम लेंगे क्योंकि जो हमने ये कॉर्न की क्यूब्स डालनी है इसमें सॉल्ट होता है, तो अगर हम इसमें अपना हांडी के हिसाब से पूरा नमक डालेंगे और कॉर्न की क्यूब्स भी डाल देंगे तो फिर ये ज़्यादा होगा। कॉर्न की क्यूब्स ऑप्शनल हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपको नहीं पसंद तो फिर इसमें नमक अपना पूरा रखिएगा। पालक जो सी है ये मैंने उबलते पानी में जो है इसको 2 मिनट के लिए बॉयल किया है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं इसको बॉयल कीजिएगा, इसको हमने बाद में क्योंकि ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। तो अब हम सब पहले बनाते हैं इसका मटेरियल बनाते हैं उसको। एंड एक ग्रेज की लेंगे हम, उसमें हमने ऑयल डाला 1/2 कप और उसमें आप प्याज डाल दिया। इस प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। एंड जब हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो उसके बाद हमने इसमें टमाटर, लहसुन अदरक और ड्राई मसाला जार, नमक नहीं डाला, बाकी सारे मसाला जार डालें और साथ ही हम इसके ग्रीन जो चिली है वो भी डाल देंगे क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह बना के फिर हमने जब पालक को हमने ग्राइंड करना है उसके साथ ही हम इसको भी ग्राइंड करेंगे और ये यकजान बन जाएगा, इसलिए इसको रफली चॉप करना है, बस भूनना है इसको अच्छी तरह। ये देखिए ये सब चीज़ें भून गई हैं, इसका ऑयल जो है वो अलहदा हो गया है। ये देखिए अब हमने ये जो किया था मिक्सचर बनाया था लहसुन अदरक प्याज टमाटर और मसाला जार डाल के, इसको भी हम ब्लेंडर में डाल लेंगे जग में और साथ इसके ये जो बॉइल्ड की हुई हमारे पास पालक थी इसको भी हम डाल लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा इसमें पानी यूज़ करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे, हल्का सा पानी यूज़ कर सकते हैं हम, तकरीबन 1/2 कप डाल लें। अब मैं इसको ब्लेंडर में चलाऊँगी और उसके बाद आपको दिखाऊँगी। फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने पतीला वही रखा है और इसका जो ऑयल था मैंने अलहदा कर लिया था, बाकी जो मिक्सर था उसको ग्राइंड करने के लिए निकाल लिया था। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे क्योंकि पालक में ज़रा थोड़ा ऑयल हो तो इसकी जो है ना वो शक्ल बहुत अच्छी बनती है। तो तकरीबन हम क्वार्टर जो कप है वो हम ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा क्योंकि हमने मसाला जार पहले भून लिए थे, हमें भूनने की अब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो ये जो मिक्सचर हमने ग्राइंड किया है ये हम इसमें डाल देंगे। पालक में थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है फिर वो अच्छी सी जोन सी है ना होती है। ये देखिए पालक इसमें हमने डाली है, अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और थोड़ी सी जोन सा ग्राइंडर के साथ लगा होता है मैंने उसमें हल्का सा पानी डाल दिया था ताकि वो ज़ाया ना हो, वो हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स इसमें हमने दही डाला था, ये देखें वाइट वाइट नज़र भी आ रहा है और अब इसको हम हिलाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और ये मेहनत से थोड़ी सी बनती है और इसको बस आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे। जब ये बन जाएगी तो आपको मैं दिखाऊंगी कि ये साइड पे कौन सा है ना ऑयल छोड़ देगा। फ्रेंड्स ये देखें तकरीबन घंटा में हमने मीडियम हीट फ्लेम पे इसको बनाया है, अभी इसका काफ़ी पानी ड्राई हो चुका है। इस स्टेज में हम इसमें जो हमने बटर रखा था वो हम डालेंगे। ये तकरीबन
थ्री टेबल स्पून के बराबर होगा। बटर को हम मिक्स करेंगे। बटर डालें तो इसका टेस्ट बहुत ही मजे का हो जाता है। देखिए हम बबल्स बन रहे हैं और तकरीबन काफी काफी पानी जो सा ना वो ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज में एक तो हमने बटर डाला है, दूसरा हम जो हमने पनीर थी, पनीर इसको मैं तो फ्राई नहीं करती हूँ, ऐसे ही डालती हूँ, तो ऐसे ही इसमें डालने में ज़रा आराम आराम से हिलाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा करके हम इसमें हिलाएंगे ताकि ये इसके अंदर भी मसाला जो है वो अच्छी तरह रच जाए। साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। इस तरह हिलाएंगे ताकि ये हिल भी जाए और पनीर जो है वो घुले भी ना। ठीक है, तो इसी तरह हम हिलाते रहेंगे। जब बिल्कुल ऑयल निकल जाएगा तो फिर इसमें हम मैं भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए हमारे पालक पनीर रेडी हो गया। ये इसमें ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, अलहदा अलहदा हो गया। इसको बस ऐसे ऐसे हिलाते जाना है। थोड़ा सा और इसको हम करेंगे। अभी देखिए बिल्कुल ऑयल जो है वो अलहदा हो गया है। 5 मिनट और करेंगे फ्रेंड्स। ये देखें हमारा पालक पनीर भी रेडी हो गया। तकरीबन ऑयल छोड़ दिया है इसने, ये आपको शायद साइड पे नज़र आ रहा होगा पतीले के। इस स्टेज में हमने जो गरम मसाला है वो हम थोड़ा सा छिड़क लेंगे। फ्रेंड्स हमारा पालक पनीर रेडी हो गया है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बड़े ही मज़े की आ रही है। दिल कर रहा है कि अभी से इसको इस तरह हम सारा इसको निकाल लेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलेगी। और कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।